नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कॉटन कॉम्प्लेक्स से। रूपा जी, कॉटन में हमने तेजी आते हुए देखी है, ऊपरी स्तर से हल्की सी मुनाफा वसूली भी बनी थी। अब देख रहे हैं कि कॉटन 40-4100 ये वाली रेंज पकड़ ली है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की जो कीमतें हैं लगातार उछल रही हैं, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि कॉटन 42,000 के भी ऊपर कारोबार करती नजर आ जाए? अखिलेश, आपका वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, आप प्लीज आप अपना सवाल दोहराइए। रूपा जी, मेरा सवाल कॉटन को लेकर था। मेरा सवाल था कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजारों में कॉटन की कीमतों में लगातार तेजी बन रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कॉटन 42,000 के भी ऊपर ट्रेड करती नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि 42,000 का स्तर देखने को मिल जाए। जिस तरीके से अभी स्टेयो बना है और वापस से बाउंस बैक आया है और अच्छी खरीदारी इन लेवल्स के ऊपर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि विदेशी बाजार काफी तेज है, उसका असर जो है वो डोमेस्टिक मार्केट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 41,500 से 42,000 का स्तर कॉटन में देखने को मिल सकता है। वही बिनोला खल भी इसके चलते तेज हो सकता है और बिनोला खल भी 3,500 से 3,400 की रेंज पकड़ सकता है। जी रूपा जी, बिनोला खल हम देख रहे हैं 3,300 के ऊपर आज लगातार दूसरे दिन सस्टेन है, आधे फीसदी की बढ़त है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, जो बिनोला खल काफी सुस्ती के साथ एक सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहा था और अब देख रहे हैं 3,300 के ऊपर है, तो क्या अब बिनोला खल बहुत ही जल्द 3,500 या उसके ऊपर की भी स्तर दिखा सकता है? देखिए, अगर इसी तरह कॉटन में तेजी आती रही तो हो सकता है कि ये सर भी देखने को मिले, लेकिन रिस्की काफी है इन लेवल्स के ऊपर मार्केट, क्योंकि करेक्शन कभी भी आ सकता है और तेजी का रुझान तो बना हुआ है नो डाउट, लेकिन रिस्की और ट्रेडर ही इसके अंदर इन लेवल्स पर बाय कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल्स अचीव हो सकते हैं। जी ये सर, पता कैस्टर में आपको क्या लग रहा है, कैस्टर में देख रहे हैं वही एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है आज भी? देखिए, कैस्टर अभी वही फंस के रह गया है और 7,300 के ऊपर जा नहीं पा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि 7,200 से 7,300 की ही रेंज देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेड तो है कि इसमें भी एक डिमांड एक्सपोर्ट पिकअप हो सकता है और 7,500 तक ऊपर जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी 7,200 से 7,340 की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। जी ये सर, ऊपर जी बात करें मसालों की, तो देख रहे हैं कि अराइवल का महीना है, अराइवल का प्रेशर रहता है और उसके बावजूद भी धनिया, जीरा और हल्दी तीनों ही मसाले अब निचले स्तर से तेज होते हुए नजर आए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो तेजी है शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर यहाँ से मुनाफा वसूली बन जाएगी? अब देखिए, ये तेजी जो है मसालों में लॉन्ग टर्म तेजी ही एक्सपेक्टेड है और अभी इनका कुछ तो फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इसके अंदर तेजी बनती दिखाई दे रही है। और मसालों में हमेशा मैंने यही बोला है कि बाय रहे, जो भी करेक्शन आती है आप उससे बाय करके चलिए। धनिया 11,000 के ऊपर अब आज निकल सकता है इंट्राडे में और नेक्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट करें कि 11,500 से 12,000 का स्तर हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए। और वहीं अगर जीरे की बात करें तो 22,000 से 22,500 का टारगेट मैंने पहले भी दिया हुआ है कि जीरा जो है 22,000 से 22,500 तक ऊपर में सस्टेन कर सकता है। हल्दी में थोड़ा सा जो है वो तेजी जो है वो थमी हुई थी, लेकिन आज हमने हल्दी में भी रिकवरी आते हुए देखी है, तो हल्दी भी यहाँ से अच्छी लग रही है, हल्दी में भी यहाँ पर बाय किया जा सकता है और अगले हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 9,500 से 9,800 तक हल्दी ऊपर जाती हुई दिखाई दे। जी ये सर, जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं कि ग्वार गम 11,500 के ऊपर है और ग्वार सीड का अप्रैल वायदा 6,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज ग्वार गम ग्वार सीड में अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या अब ग्वार गम 12,000 और ग्वार सीड 6,500 के लेवल्स भी दिखा सकता है? देखिए, बिल्कुल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ग्वार गम और ग्वार सीड क्रूड में आ रही तेजी का इंपैक्ट भी इसके ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी काफी स्टॉक जो है लोगों ने होल्ड किया हुआ है इन लेवल्स के ऊपर भी और डिमांड भी अभी थोड़ा मंडियों में पिकअप हो रहा है। इस लेवल पर भी जो पहले हमने देखा था कि सुस्त पड़ गया था 10,500 से 10,500 के आसपास, अब वापिस से खरीदारी देखने को मिल रही है और अभी यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गम 12,000 के ऊपर निकल सकता है और सीड भी 6,500 के स्तर छू सकता है। जी ये सर, रूपा जी सोयाबीन में क्या लगता है, सोयाबीन देख रहे हैं कि विदेशों में भी लगातार तेजी ही है, घरेलू वायदा बाजारों में देख रहे हैं कि हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर बनी थी, लेकिन फंडामेंटल्स जिस हिसाब से विदेशों में बन रहे हैं उसका असर हमने सोयाबीन पर भी पड़ते हुए देखा था, तो ऐसे में आपको क्या लगता है आगे, क्योंकि सरसों की अराइवल्स भी हैं, CPO भी तेज है, क्रूड भी तेज है, तो क्या ऐसे में सोयाबीन अच्छा मुनाफा देती नजर आ सकती है? देखिए,
देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी एडिबल ऑयल पैक में तेजी पर निर्भर रह सकती है और आगे तेजी और ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दे सकती है। इनफैक्ट अब तो लग रहा है कि सरसों भी तेज हो सकता है और सरसों में भी अभी जो अराइवल प्रेशर के चलते थोड़ा दबाव था वो उसके बाद सरसों में भी एक खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे सकती है। और मुझे लग रहा है कि सभी सीपीओ हो चाहे सोयाबीन अभी जो हल्की फुल्की करेक्शन है इस करेक्शन के अंदर बाइंग में रहना चाहिए, आगे चलकर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, वीट में क्या लगता है आपको, क्योंकि वीट में देख रहे हैं कि भारतीय एक्सपोर्ट वीट का काफी ज्यादा बड़ा है और ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है कि एक्सपोर्ट में और उछाल आ सकता है, लेकिन 1 अप्रैल से अब वीट की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, मंडियों में आवकों का दबाव भी रहेगा, एक्सपोर्ट की डिमांड भी है, विदेशों में तेजी भी है, तो क्या ऐसे में कुछ आशंका है कि गेहूं की कीमतें घरेलू मार्केट में थोड़ी कम हो जाएं? देखिए कम होने की आशंका कम है और मुझे लगता है कि बढ़ सकती है जिस तरीके से एक्सपोर्ट डिमांड निकल रही है और अभी जो प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है और अभी फार्मर्स को भी अभी जो माल है फार्मर्स ने भी रोका हुआ है इसके चलते कि एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होंगे और प्राइसेस को एक बूस्टअप मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी अगर देखा जाए जो हाजिर महीनों में जो भी 2021 के आसपास देखने को मिल रहा है वो अभी 300 से 400 रुपए का उछाल उसके अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि सरसों में आगे क्या रह सकता है, जिस हिसाब से सरसों में आवकों का प्रेशर है, डिमांड है और सनफ्लावर ऑयल की जो खपत जो कंजम्पशन थी वो सरसों पर डाइवर्ट हुई है, तो क्या इसी बीच ज़्यादा मांग के चलते कीमतों में उछाल रह सकता है या फिर ज़्यादा आवकों के चलते कीमतों पर दबाव रहेगा? देखिए ज्यादा आवकों के चलते कीमतों में हल्का दबाव आपको अभी हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का सिनेरियो अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो तेजी का ही है और मुझे लगता है कि आगे चलकर सरसों में तेजी बनी रह सकती है। जी रूपा जी, एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स के देने चाहेंगे आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि एग्री कम्युनिटीज के अंदर ग्वार और मसालों के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है इस हफ्ते भी, आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी और अगले हफ्ते भी इसमें तेजी बन सकती है। रूपा जी, आने वाला कारोबारी सप्ताह एग्री कम्युनिटीज के लिए कैसा साबित हो सकता है, किन कृषि फसलों में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए आने वाले सप्ताह में मुझे लगता है कि मसालों के अंदर तेजी का रुझान बन सकता है और मसालों के साथ साथ ग्वार में तेजी बन सकती है और खाद्य तेल भी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं वीक लेवल इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।